हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, वीक 49 की फुल टीआरपी आप देख चुके हैं, टॉप 20 टीआरपी शोज़ भी देख चुके हैं, स्लॉट लीडर वगैरह, वो सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन टीआरपी वीक 49 की, यानी कि ऑनलाइन जो व्यूअरशिप वगैरह है वो कौन से शोज़ की कैसी रही है, टॉप हमारे कौन से इंडिया के शोज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा ऑनलाइन देखा गया है, ये वाली टीआरपी का शो की फेट पर, शो हिट है या फिर फ्लॉप है या फिर टीवी पर कैसा परफॉर्म करता है उससे कोई भी लेना देना नहीं होता ये वाली टीआरपी का। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर 20 पर है कलर्स टीवी का बालिका वधू 2, जो कि 3.0 की ऑनलाइन टीआरपी लेकर आया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये नॉर्मल टीआरपी के मुकाबले इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नंबर 20 पर भी 3.0 ला रहा है। नंबर 19 पर है इमली 3.6 की टीआरपी के साथ। नंबर 18 पर है भाभी जी घर पर है एनटीवी का कॉमेडी शो 5.0 की टीआरपी के साथ, जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है लेकिन टीवी पर बहुत ही कम देखा जाता है। नंबर 17 पर सिर्फ तुम कलर्स का नया शो, जो कि 6.0 की ऑनलाइन टीआरपी लेकर आया है। नंबर 16 पर है जी टीवी का मीत 8.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ, तो ये नया ही शो है। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 15 पर है ये हैं चाहते स्टार प्लस का शो 10.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। तो ये वैसे लेट टाइम स्लॉट पे आता है स्टार प्लस पे, लेकिन ऑनलाइन इसको टीवी पर भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और ऑनलाइन व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी है शो की। नंबर 14 पर है ससुराल सिमर का सीज़न 2 कलर्स टीवी का शो 12.0 की टीआरपी के साथ। नंबर 13 पर गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का शो 14.0 ऑनलाइन टीआरपी के साथ। नंबर 12 पर है उड़ारियाँ 15.0 की टीआरपी के साथ। तो नंबर 11 पर है बिग बॉस 15 कलर्स टीवी का रियलिटी शो, जो कि 16.0 की ऑनलाइन टीआरपी लेकर आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार का जो सीज़न है वो फ्लॉप है ऑनलाइन नहीं टीवीज़ पर, लेकिन एक्चुअली जो ऑनलाइन व्यूअरशिप है वो स्टिल इसकी अच्छी है, ठीक है, दूसरे काफ़ी शोज से ऊपर है और टॉप 20 में है। तो ऑनलाइन तो स्टिल देखा जाता है बिग बॉस 15, भले टीवी पर लोग ना देख रहे हों। टॉप 10 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 पर है छोटी सरदारनी कलर्स का शो 20.0 की मैसिव टीआरपी के साथ। नंबर 9 पर है कुमकुम भाग्य 24.0 ऑनलाइन टीआरपी के साथ। और नंबर 8 पर उसी का जी टीवी का ही कुंडली भाग्य 28.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। ऑनलाइन टीआरपी में कुंडली कुमकुम से आगे है, लेकिन इस बार टीवी वाली टीआरपीज में कुमकुम कुंडली से आगे निकल गया था। नंबर 7 पर है केबीसी 29.0 की मैसिव टीआरपी के साथ। तो केबीसी की भी ऑनलाइन व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है उसकी टीवी के मुकाबले। नंबर 6 पर भाग्यलक्ष्मी है, जो कि 32.0 की ऑनलाइन टीआरपी लेकर आई है। अब हम चलते हैं टॉप 5 हाईएस्ट ऑनलाइन टीआरपी शोज़ की तरफ। तो नंबर 5 पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, 34.0 की मैसिव टीआरपी लेकर आया है। नंबर 4 पर है द कपिल शर्मा शो, इसकी भी ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीआरपी है, 36.0 की। नंबर 3 पर है बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 2, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन हर हफ्ते ऑनलाइन टीआरपी में टॉप 3 में या फिर टॉप 5 में आता ही है। बड़े अच्छे लगते हैं 2 को टीवी पर ज़्यादा उतना नहीं देखा जाता, टीआरपी इतनी मैसिव नहीं आती, लेकिन ऑनलाइन टीआरपी में तो नंबर 3 पर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी आगे चलें तो नंबर 2 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 40.0 की टीआरपी के साथ स्टार प्लस का शो। और नंबर 1 की बात करें तो चाहे टीवी हो या फिर ऑनलाइन टीआरपी हो, अनुपमा की टीआरपी स्टिल नंबर 1 पे है 43.0 की टीआरपी के साथ। ऑनलाइन व्यूअरशिप में भी अनुपमा नंबर 1 शो है स्टिल। तो गाइज, ये थी टॉप 20 ऑनलाइन टीआरपी शोज़, जिनकी ये जो टीआरपी है नॉर्मल टीआरपी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल ही गया होगा, और इस टीआरपी का शो के बंद होने या फिर चलने से कोई लेना देना भी नहीं होता, लेकिन स्टिल आपकी नॉलेज के लिए वीडियो मैं डाल देता हूँ ऑनलाइन टीआरपी वाला, बिकॉज कुछ लोग मांगते होते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फेवरेट शोज़ के फैंस के साथ, कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट शो और आपका फेवरेट चैनल कौन सा है। अगर वीक 49 की फुल टीआरपी या फिर बाकी वीडियोस देखने हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही टीआरपी डिटेल्स हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं टीआरपी वगैरह की आप तक पहुँचती रहे, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।